इस क्वेश्चन में जो हमको प्रूव करना है ना, उसमें LHS इज n माइनस वन होल स्क्वायर सी वन एन माइनस थ्री होल स्क्वायर सी थ्री एन माइनस फाइव होल स्क्वायर एंड सो ऑन. सो LHS को हम लिख सकते हैं दिस इज LHS सिग्मा एन माइनस, यहां पे वन थ्री फाइव आ रहा है तो एन माइनस टू के माइनस वन का होल स्क्वायर एन सी टू के माइनस वन. अब एन सी आर और एन सी एन माइनस आर सेम होते हैं, इट कैन बी रिटन एज एज एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर. ठीक है ना. अब एन सी आर इस टर्म को मैं लिख दूंगा एन अपॉन एन माइनस टू के माइनस वन एन माइनस वन सी एन माइनस टू के माइनस वन इस प्रॉपर्टी से. ठीक है ना. तो एक टर्म तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ये एन आ जाएगा बाहर, इट इज सिग्मा एन माइनस टू के माइनस वन और ये आ जाएगा एन माइनस वन सी माइनस वन प्लस वन कैंसिल माइनस टू के. ठीक है. अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा, ये आ जाएगा एन माइनस टू के एन माइनस वन सी एन माइनस टू के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस वन इसमें वापस ये प्रॉपर्टी लगा देंगे एनसीआर वाली, ये आ जाएगा ठीक है. और यहां पे जो हम टर्म देखेंगे जो टर्म आएगी वो आ जाएगी एन माइनस वन, पूरा लिखता हूं मैं, इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस, तो ये टू के माइनस वन आ जाएगा. इन दोनों प्रॉपर्टी को वापस में यूज कर लिया, ये आ जाएगा एन टू एन माइनस वन सिग्मा एन माइनस टू, इसमें को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो माइनस एन प्लस टू के प्लस वन, ये माइनस वन आ जाएगा. ये टर्म आ जाएंगे. अब इसमें जो ऑड टर्म आ रही है तो इस प्रॉपर्टी को यूज कर लेते हैं. एन सी वन प्लस एन सी थ्री प्लस एन सी फाइव, ये टू की पावर एन अपॉन टू, ये टू की पावर एन माइनस वन होता है,
तो ये दोनों, ये दोनों चीज यहां यूज करेंगे तो दिस इज इक्वल टू, टू की पावर एन माइनस टू माइनस वन एंड दिस इज टू की पावर एन माइनस वन माइनस वन, एन इंटू टू की पावर एन माइनस टू कॉमन ले लेते हैं, टू की पावर एन माइनस थ्री कॉमन ले लेते हैं, तो जगह एन माइनस वन प्लस टू, दैट इज एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू की पावर एन माइनस थ्री, दैट इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ।